क्या रे, कितने दिन से मैं घर में बैठा है, बोर हो गया मैं एकदम। घर का खाना एकदम अब सूट नहीं हो रहा है, कहीं बाहर चलते हैं, खाते पीते हैं। एक होटल मिल रहा है, देखते हैं, से कॉल करते हैं। पहाड़ा विच होटल। हेलो, पहाड़ा विच होटल स्पीकिंग। क्या रे, फ्री में रहना खाना मिलेगा क्या रे? आप इंडियन जुड़ूबर इंका के पति देव बोल रहे हैं? अरे भाई, मोटू गोरा में बोल रहा हूँ, कैसे पहचाना रे? सर वही वही तो फोन करते रहते हैं आप, हमारे यहाँ पे बहुत होटल के मतलब जो मीटिंग होती है आपके बड़े बड़े चर्चे हैं वहाँ पर। अच्छा ठीक है, मैं तेरे होटल का रिव्यू देख रहा था, कोई आता जाता नहीं, पर्यटक आते जाते नहीं, क्या बात है? सर वो थोड़ा मतलब आप जानते हैं लॉकडाउन वगैरह चला था। अच्छा छोड़ो वो सब, चल पैसे कितने देगी? सर पैसे किस बात के मांग रहे हैं आप? अरे हम आएंगे वहाँ पर, रहेंगे, प्रचार करेंगे, तेरे होटल का नाम होगा तो पैसे नहीं देगी तो फ्री में करवाएगी, पागल है? सर होटल बिजनेस में पैसे नहीं आते आजकल। क्या बात करिए रे, तेरे होटल में पैसे नहीं आ रहे, बेवकूफ बना रही मुझे रे। सर मजाक आपने शुरू किया था ना, आपकी बीवी ने बोली थी ना जुड़ूब से पैसे नहीं आते। क्या बात कर रही है, तो सीरियस वगैरह? चल सीरियस बात कर, कितने की पैसे? सर देखिए हमारे होटल में नाइट स्टे पर एडल्ट है 4,000 रुपीज पर नाइट। 4,000? अच्छा सुन, अगर हाँ हाँ सर, अगर आप अपनी इंक्वायरी को लेके आके हमारा अच्छे से प्रमोशन कर देंगे सर, तो हम आपसे वो वाले पैसे नहीं लेंगे, ठीक है? क्या बात कर रही है, तो मतलब आपको पैसे नहीं देंगे ना लेंगे? ओके, ना तो पैसे देगी ना लेगी, फ्री में खाना मिलेगा सर? हाँ खाना है हमारे यहाँ पे, आप खाना खा सकते हैं सुबह है? अच्छा ओके ठीक है चलेगा, चल खाना मिलेगा बहुत अच्छा है। और तुम, हम दो लोग नहीं आएंगे, कपल हम नहीं चलते हैं। ओके तुम बता रहे कितने लोग आ रहे हैं? गिन। हो गया, देख इंकुड़ी आई, मेरे बिना रहती नहीं है, मैं इसके बिना रहता नहीं है, ठीक है? इंकुड़ी आएगी मेरे साथ और इंकुड़ी के साथ क्या है कि मी आएगी, मी को पहाड़ा बीच बहुत पसंद है। हाँ, तो पहाड़ा बीच जाना तो मी का जाना जरूरी, मी मतलब डीजे माम रे। हाँ डीजे माम बहुत मशहूर है यहाँ पे। हाँ डीजे माम जो है अब वो अकेले चलती नहीं है, उसके साथ उसका आवारा लड़का आएगा, इंडियन जूडियर भत्ती। ओके ठीक है, जब इतने लोग आएंगे तो इंगड़ी बहुत गाली खाएगी, कितने लोगों को ले लिया, मेरी मी को लेकर नहीं आए। यस आई नो दैट, मेरी मी भी आएगी। ठीक है, पूरे 8 लोग आएंगे सर। आई थिंक यू आर मिस्टेकन सर, 5 लोग बनते हैं। क्या करे बेटा, तेरा मैथ चेक कर रहा था रे। ओके सर, तो आप कह रहे हैं कि आप लोग 5 लोग आएंगे। हाँ। और ठीक है सर, हमको चलेगा, लेकिन आपको दोनों चैनल्स पर, वो बत्ती का भी चैनल है, हाँ, बत्तिया का चैनल है, तो दोनों चैनल पर आपको हमारा प्रमोशन करना पड़ेगा और जितने लोग आएंगे उतनी बार नाम लेना पड़ेगा। यू मीन 5 लोग आ रहे तो 5 बार हमारे होटल का तमीज से नाम लेना पड़ेगा, और 3 बार आप इंका के चैनल पर लीजिएगा, 2 बार आप बत्ती के चैनल पर लीजिएगा। अरे चल ले लेंगे, चल चल। और आप लोगों की चालाकियां हमने देखी है, आप लोग ऐसे खाते पीते निकल जाते हैं और ढंग से प्रमोशन नहीं करते हैं, तो हमारा एक आदमी आपके पीछे पीछे घूमेगा, आप पे नजर रखेगा। देखती है क्या रे? हाँ जी हम देखते हैं, हमें प्रचार करने में मजा नहीं था, चल लेकिन तू इतना बोल रही है, इंसिस्ट कर रही है, तो मैं प्रचार करवा देगा तेरा। ओके सर, और सर कैसा अरेंजमेंट करें आप लोगों का, लेडीज एक में रख दें, जेंट्स एक में रख दें, इस तरह से कर दें? क्या बात करिए, मेरा मन लगे ऐसे, कुछ और पता, और कैसे अरेंजमेंट है? तो पति पत्नी एक रूम में कर देते हैं, बाकी सब एक में। क्या बात करिए रे, मेरे साथ इंगड़ी को डर लगता है, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ और पता। तो सर मतलब कैसे करें आप, है ना, आप बताइए फिर। एक काम कर, या तो बत्ती को एक में डाल, बाकी सबको एक में डाल। सर फिर सब मतलब हमारे रूम में डबल बेड है और एक मंजे है, तो नीचे कौन सोएगा, मतलब दो एक मंजे पे, तो एक मतलब 4 लोग हैं, तो एक जमीन पे कौन सोएगा? तो मतलब मैं क्या सोच रही हूँ सर, तीनों लेडीज डबल बेड पे सो जाएंगी और अब मंजे पे सो जाएंगे, ऐसा ठीक है? क्या बात कर रही है, हमारी डीजे वहां इतना एडजस्ट नहीं करती है, उसको मंजे पे डाल, 3 लोग बचे, बाकी बता। तो सर आप नीचे सो जाइए, डीजे मॉम मंजे पे सो जाएंगी और सासुमान इंगोड़ी डबल बेड पे सो जाएगी, इज इट गुड? क्या रे मुरा, कैसी बात करिए, मैं नीचे अकेले से तेरे साथ डांडिया करेगा क्या रे पागल, साथ वो एक बेड पे सोएंगे, झगड़ा कराने क्या, तेरे होटल में आग नहीं लग जाएगा?
दिमाग ना चीज है बस। और सुन, इंकुड़ी के साथ वही सोएगा, जैसा भी है उसका बॉस है, मतलब इंकुड़ी मेरी बॉस है, मैं उसका पति है, ठीक है। अब कितना भी बॉस आता होगा मैं सोएगा उसके साथ, उसकी लाइफ का मैच भगवान है, समझी। तो सर, और सुन, मेरी भी एडजस्ट कर लेगी, नीचे सो जाएगी वो। तो सर वो थोड़ा मतलब बुजुर्ग है, उनको ठंड मत लग जाएगी, जमीन पे सोते अच्छी नहीं लगेगी। और आपकी मतलब कैसे आप लोग सुन, उसका भी है मेरे पास, इंकुड़ी झूठ बोल देगी, उसको बहुत झूठ बोलने का शौक है, बोले गद्दे पे कोई नहीं सोया, सब एक साथ सोए, इधर सोए उधर उधर सोए, मैं ऊपर सोई, हाँ जी मैं तेरे साथ सोएगी, भेजू क्या तेरे, चल सुन रख, आराम है कल। अरे ये देख मैं आ गया खेताबीच, अरे खेताबीच नहीं रे, चाय का खेताबीच आया मैं, इंकड़ी उधर व्लॉग बना रही है, नाच नाच के एकदम पागल हो गई है, एकदम मेंटल। और सुन ये देख मैं क्या लाया, चाय का कहता भी चाय चरा लाया मैं, चोरी मेरा पैशन है। और क्या रे तुम सब लाइक नहीं करता रे, लाइक करा क्या रे गुड़ी, बहुत मजा आ रहा है ना कहता बीच। मिस्टर मोटर कोबरा प्लीज कम हियर। हाँ बोल, पह दीजिए प्लीज। मैं क्या पहन दूँ रे, तू पह दे उल्टा, रास्ते के खाना बांध के देख, हेलो भूखे वो जा रहे हैं यहाँ से। सर आपने हमारा टॉयलेट जाम कर दिया है, आपकी बीवी ने तकियों में जू छोड़ दी है और उन पर बैठ के बदबू छोड़ दी है, और आपकी जो डीजे मॉम है वो सब की सब रूम के बाहर जा जा के बहुत शोर मचा रही थी, जिससे बाकी के गेस्ट डिस्टर्ब होके बिना बिल दिए भाग गए हैं। ऐसा है क्या रे, कितने पैसे बताए रे? सर 20,000 रुपीज का आप लोगों ने हमारा नुकसान करवाया है। 20,000 रुपीज, इतना पैसे देखे तूने? सर हमने तो देखे, आपने देखे कि नहीं? हम इतना पैसे नहीं लेके चलते, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन सुन तेरा कर्जा उतार के जाएंगे हम, बहुत बेइज्जतदार लोग हैं हम लोग, किसी का खर्चा लेके नहीं चलते हम। सुन तेरा डीजे है क्या रे? सर नो, डीजे तो नहीं रखा है हमने। कोई बात ना, नहीं हमने आपको ए बत्ती डीजे निकाल रहे। अरे सुन, तेरे को पैसे एक साथ चाहिए कि छुट्टे छुट्टे चाहिए? अगर तेरे को पैसे एक साथ चाहिए तो हम सब एक साथ मिलकर नाचेगा, और छुट्टे चाहिए तो हम सब बारी बारी से नाचेगा, समझी। और सुन तो यहाँ से जा और आगे बंद कर ले, नहीं तो तू देखिए तेरे को पैसा देना पड़ेगा। और गेस्ट लोग है कि चले गए रे? सर थोड़े बहुत बचे हैं, क्या करना है उनका? सबको बाहर भेज। सर क्यों? वैसे तू फेंकी रे, गेस्ट लोग फेंकेंगे ना, सबको गेस्ट को यहाँ लाइन में खड़ा कर, हम सब नाचेंगे यहाँ पे। ओके सर, एज यू विश। चल रहे सब तैयार हो जा, अरे सब लोग वैसे कितनी गालो गाड़ी से। फोन आ रहा है किसका, पता नहीं क्या फोन आ रहा है, इतनी मुश्किल से मैंने उसको नन्नू के घर भेजा था और मुझे यहाँ इंजॉय भी नहीं करने दे रही है। क्या रे बोल? मैं जिंदगी पतन की फटाफट से, मैं नन्नू जी रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप अपने बेडरूम में हम लोगों का फोटो नहीं लगाया इंकुड़ी के बाजू में, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपने ठीक है फोटो नहीं लगाया तो सगना दे दो, बहुत रो रहे हैं मी, जल्दी से कुछ करो। बती बती देख मी रो रही है, मी रो रही है, जल्दी कैमरा निकाल, अपना भी निकाल ले, मैं तो जा रही हूँ जूम करके निकालूंगी, फोटो मस्त बनेगा, थंबनेल बहुत अच्छा बनेगा, बती जल्दी आ। मी ऐसे कान रख, हाथ ऐसे रखो, ऐसे रखो, यहाँ टिकाओ, हाँ ऐसे बैठो, अच्छे से बैठो, नहीं नहीं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मी, हाँ हाँ ठीक से, हाँ वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर बत्ती। ओ बत्ती, मीने कितना अच्छा शॉट दिया है। नहीं ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है बॉस। नहीं मेरा है, मैं डालेगी। नहीं मेरा मेरा, रुक मैं डालेगा,
रुक, ये लो मैंने अपलोड भी कर दिया। मी रोई फटफट के ले ले, जा तू जा, तू कर ले अपलोड, है तो चैनल मेरा ही, मेरे कोई पैसे आएंगे, मैं तो तुझे बस पान पीने के पैसे दूंगी, वो भी नहीं दूंगी इस बार। और बदतमीज, फटफट के मत लिखो, फटफट नहीं होता, फूट फूट होता है, फुट फुट के रोई मई, ऐसे लिख पागल। माँ फटफट के रोती है, तू फुट फुट के रोई। मी रहने तो, हो गया सीन खत्म, अपलोड भी हो गया अब तो। अ वेरी गुड मॉर्निंग, दोपहर के बज रहे हैं 9:07 और मैंने बना लिया है गुट्टू, फंसा लिया है दुपट्टा। और आप सोचेंगे गुट्टू में दुपट्टा नहीं फंसाया इस बार, मैंने इस बार फंसाया है कूलर, क्योंकि आज मैं मिलने जा रही हूँ अपने लाइफ के पहले पहले बचपन के प्यार से, वही प्यार जो मेरे अंग अंग में बसा हुआ है, वही प्यार जो मेरे रूम रूम में बहता है, वही प्यार जिसका नाम मैं सोने से पहले और उठने के बाद में ले लेती हूँ, वही प्यार। आप लोगों ने गैस करनी है और पोज करके बताना है कि मेरी पहली मोहब्बत क्या है। क्या रे, ये क्या सुन रहा है, तुम मुझसे झूठ बोल के शादी की, मैं तेरे पहला मोहब्बत नहीं है। मुड़ो, मुझे ना आपसे एक बात ना कॉन्फेस करनी है कि आप मेरी लाइफ के पहले प्यार नहीं है। चल, बात कन्फेशन के हो ही रही है, मुझे भी कुछ कन्फेस करना है। तो भी मेरा कोई पहला प्यार थी नहीं, ना है अभी की। क्या बात करे मोरू, मैं तो चाह की बात कर रही थी, मैं तो चाह बोल रही थी कि सब लोग लिखते हैं तुम्हारा तेरा पगली पहला प्यार चाह है। मोरू अब आप बताइए आपका क्या पहला प्यार था। क्या कर रही है मोरू, मोरू मोरू रुक जाइए, मुझे मोड़ू के पीछे भागना पड़ेगा, माल रोड में भाग रहे हैं मोड़ू मोड़ू। तो मैं आ गई हूँ अपने पहले प्यार के पास, चाय के खेता बीच, आप देख रहे हैं इतने सुंदर लग रहे हैं, वाह वाओ। और देखिए मैं क्यूट लग रही हूँ कि नहीं, अगर मैं आपको क्यूट नहीं लग रही हूँ तो आपने अनसब्सक्राइब करना है बत्ती का चैनल। कैसी लग रही हूँ मैं पागल लग रहे, भागो यहाँ से। अ वेरी गुड नाइट, दोपहर के बज रहे हैं 9 और मैं आ गई हूँ अपने घर वापस अपने पहले पहले प्यार से मिलके। वहाँ मोड़ू और मेरा बहुत झगड़ा हो गया था गाइस, और मोड़ू भाग गए थे, भागते भागते यहाँ पहुँच गए तो हम भी उनके पीछे पीछे आ गए। और मैं क्या बताऊँ गाइस, मैं बहुत काम कर रही हूँ, सुबह से काम में लगी हुई हूँ, सुबह से उठी हूँ, काम कर जा रही हूँ, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा मेरा गाइस, लख मेरा दुखिया सी, टंग मेरी टूटिया सी गाइस, मैं क्या बताऊं, मतलब एक काम दो काम तीन काम, इतने काम मैंने किए हैं सुबह से। आप लोग जानते ही हैं एक औरत की लाइफ में कभी काम नहीं ख़त्म होते, मैं सुबह से काम कर रही हूँ और मोड़ू मर्द आराम कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, खाना वाना बन गया है, मैंने मशीन में स्लॉट डाल दिए हैं। और अब मैं चलती हूँ, थोड़ा मैं शॉर्ट्स अच्छे अच्छे निकाल लूँ किचन के, और चलिए मैं आवाज़ देती हूँ अपने ह्यूमन ट्राइपॉड छोटू को, छोटू बच्चे नीचे आओ रे। मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। छोटू नीचे आ। नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा। आ रही हूँ मैं ऊपर, तू नीचे आता कि मैं ऊपर आऊँ, आ रही हूँ मैं, रुक जा। गाइस मैं कभी कभी ऊपर चली जाती हूँ, बीच में मेरा जाना रुक गया था, लेकिन अब मैं ऊपर भी चली जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और वो बच्चे जो हैं मानते ही नहीं हैं, एक तो मुझे वो दीदी दीदी बुला दे रहे थे, छोटू मैं तेरी क्या लगती हूँ रे, आंटी आंटी मत बोलो मेरे को, मैं दुपट्टा ऐसे लूंगी ऐसे, दुपट्टा यहाँ फंसा लेती हूँ, बड़े दिन हो गए।
छोटू नीचे आ, शॉर्ट निकाल। अरे पहले से निकाल लिया मैं। फॉलो मी। ये आंटी ना हम लोगों से बहुत बाल मजदूरी करवाती है, दिन भर काम करवाती है, कुछ देती भी नहीं है, ना खाने को ना पै। तो हम लोगों ने क्या किया ना, आंटी का पूरा घर खोद डाला, लिख डाला, पढ़ डाला, और मैंने तो सुसु भी कर दिया। अब कर ले आंटी जो करना है। छोड़ो फोकस। टिप टिप नल के का पानी, पानी में चाह बनाई, चाह बनी पतीली में, तो मोटू को पोह की याद आई, पोह की याद आई, तो जल उठा मोटू का भीगा बदन, अब तुम ही बताओ मोटू मैं क्या करूं। हे मोटी चाला कॉमी मोडू मोडू अभी ला रही हूँ। ये छोटू बच्चे हैं, मैं तेरी क्या लगती हूँ? आंटी आंटी मत बोलो मेरे को, कितनी बार बोला है, मैं आंटी नहीं हूँ, मैं आंटी नहीं हूँ, आंटी नहीं हूँ मैं। गाइस आपकी इंकुड़ी आप लोगों से बहुत नाराज है, गुस्सा है। आप लोग मेरे पुराने व्यूज नहीं देते, पुराने वीडियोस में आप लोग मुझे देते नहीं है व्यूज। अब मुझे क्या आपको मतलब क्लिकबेट देना पड़ेगा क्या? मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैंने ये वाली कुर्ती का लिंक मैं आपको नीचे दे रही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तब आप जाके क्लिक करेंगे क्या? मेरे ऐसे दिन आ गए हैं क्या? आप अपने आप से जाके नहीं देख सकते? और तो बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। एक ने तो सवाल पूछा है, कॉमेंट किया है, देखिए मैं कॉमेंट पढ़ के बता देती हूँ। एक ने कमेंट किया है कि बत्ती का नाम बत्ती कैसे बना, तो इसका भी मैंने पूरा जवाब, मेरे हर चीज का जवाब आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा। देखिए बत्ती का नाम कैसे बत्ती पड़ा। कुट रहा था, पंजाबी विच बोलते कुट रहा था। नाम पता है कैसे रखा था? मम्मी बताती है कैसे रखा था। पता क्या हुआ था कि जिस दिन बत्ती पैदा हुआ था ना, उस दिन पूरे गाँव की बत्ती चली गई थी, और मेरे दिमाग की बत्ती जल गई थी, तो हमने ना बत्ती का नाम बत्ती रख दिया। देखा आपने, तो सारे सवालों के जवाब आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे। गाइस प्लीज गो एंड चेक आउट। क्या रमड़ी क्या देख रहा है आजकल तेरे जलवे नहीं दिख रहे इधर, एकदम डाउन जा रहा था कुछ। मुड़ मैं क्या करूं, मेरा ना कोई भी साथ नहीं देता है, ना व्यूअर्स, और बत्ती भी साथ नहीं देता, और पुतन मेरे पुतन के साथ पुरानी क्लिप डाल दी तो लोग मेरे ऊपर ही चल पड़े। कोई खुशी नहीं हो रहा मुड़ू, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुड़ू मैं क्या करूं। आप कुछ टटियाएं दिमाग से कुछ निकाल लेना मुड़ू। रख मेरे पास एक आइडिया है। एक काम कर, तो ऐसा कुछ कर कि उल्टियां आ जाए। मोटू आप भी ना, आप ना ऐसे मत करा करो, मतलब अभी से उल्टियां मत मत मोटू। अभी नहीं ना, अप्रैल भी नहीं आया अभी मोटू, मैं नहीं मोटू। आप कैसी कैसी बातें कर देते हो अचानक से मुझे। चुप कर, मेरी बात सुन। क्या मोटू बोल, व्लॉग में कुछ ऐसा कर, ऐसा कुछ बना कि लोग देख के उल्टियां आ जाए। मोटू और क्या करूं मैं वैसा। ऐसा सुन, भारतीय औरत, इंडियन वुमेन रूटीन दिखा, समझी? इंडियन वुमेन रूटीन सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक करती है ना, वो तू दिखा। हाँ इंडियन वुमेन रूटीन। वैसे तुझे क्या करना है, फ्रश लेके पार्टी सीट पे बैठ जाना है। मुड़ो ऐसे नहीं होता, मैं इतना भी नहीं कर सकती अभी, मैं इतनी मॉडर्न नहीं हूँ, मैं अभी भी इंडिया नहीं हूँ, मैं कनाडा नहीं गई हूँ अभी तक। वही बोल रहा, कनाडा तो नहीं गई है, इसीलिए फ्रश लेकर पार्टी में कपड़े पहन के बैठ, समझी? पूछेंगे कि तू पार्टी सीट पे बैठ के क्या कर रही थी रे, वहां बैठ के फ्रश कर रही थी। हां पूछेंगे। हां तो तू पहले ही बोल देना कि तेरा लक विच तो क्या सी, टंग विच टूटिया सी, समझी? क्या बोलेगी? लक विच दुखिया सी, टंग मेरी टूटिया सी। हां मोड़ खुश हो जाएंगे लोग, पागल हो जाएंगे, दो चार उल्टी भी करेंगे। बैटमैन मैं तुझे मार दूंगा, बैटमैन तेरी ये हिम्मत, वेनम मैं तेरा खून पी जाएगा। अरे बाबा रे, ये धोने के चक्कर में मर रहा है रे। मोड़ू चल, मेरा टॉयलेट रूटीन, टॉयलेट मैंने कहा अरेंज कर दूंगी मैं, टॉयलेट तो लोगों ने गलत समझ लिया मोड़ू। अरे टॉयलेट कैसे अरेंज होता है? कर देती है ऐसे ऐसे करके अरेंज मोड़ू। क्या अभी और, लेकिन मोड़ू एक बात तो वही है, कॉमेंट्स भर भर के आए हैं, बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं। सच्ची? हाँ बहुत, मतलब हिट हो गया मेरा रूटीन। और अगर आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा हो,
तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रेम एनोलॉजी चैनल को, और प्रेम एनोलॉजी वालों से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा कि वो मॉर्निंग रूटीन को वो कॉपी करेंगे, क्योंकि देखिए उन लोगों का दिमाग जो है इन चीज़ों में बड़ा चलता है कि उनको सीक्वेंस पता है कि नहाने से पहले क्या करना है, नहाने के बाद क्या करना है, कौन से कपड़े कहाँ पहनने हैं, कब उतारने हैं, तो वो ये सब बहुत मानते हैं, उनका दिमाग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो ये सब कॉपी कर नहीं पाएंगे। और जिस जिसको ये वाला सीक्वेंस पता हो कि कौन सा काम कौन से ऑर्डर में करना है, तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए प्रेम एनोलॉजी को। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो फिर बाय।